थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगी मैंगो शेक और मैंगो स्मूदी में, क्योंकि हम में से काफी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले जो मैंगो स्मूदी है वो जो है उसमें जो फ्रूट हम यूज करते हैं एज अ बेस, वो चाहे मैंगो हो, बनाना हो या कोई भी किसी भी तरह की हम स्मूदी बना रहे हैं, तो जो फ्रूट का बेस है होता है उसमें उसकी क्वांटिटी, फ्रूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी कि जो फ्रूट का पल्प होता है वो ज्यादा होता है। और इन मैंगो शेक्स में जो है फ्रूट का जो पल्प होता है, बेस होता है, वो थोड़ा कम होता है और दूध की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू पल्प ज्यादा होती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। जो मैंगो स्मूदी है उसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक होती है, क्रीमी होती है, और जो मैंगो शेक होता है उसकी कंसिस्टेंसी एज कम्पेयर टू स्मूदी थोड़ी पतली होती है, ज्यादा पतली नहीं होती है बट एज कम्पेयर टू स्मूदी थोड़ी पतली होती है। और जो स्मूदी है वो हम तीन बेस तो हमारा फ्रूट पल्प रहेगा, उसको हम तीन चीजों के साथ मिला करके बना सकते हैं। लाइक हम उसको उसमें पानी भी साथ में उसके साथ इन्फ्यूज कर सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं, उसको कर्ड के साथ बना सकते हैं यानी कि दही के साथ भी बना सकते हैं, या फिर उसको दूध के साथ भी बनाया जा सकता है। तो स्मूदी में हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं कि किन तीन चीजों को हम मिला करके उसके साथ उसकी स्मूदी बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा शेक रहता है उसमें जो बेस होता है फ्रूट होता है और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही मिलाया जाता है। तो जो शेक है वो मिल्क और फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जो स्मूदी है वो फ्रूट का बेस होता है बट उसके साथ जो हम मिलाते हैं उस वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, दही भी हो सकता है और कर्ड भी हो सकता है।